प्यारे देशवासियों और किसान भाइयों बहनों, किसानों को दिल्ली के बॉर्डर्स पे आंदोलन करते हुए 26 मई को 6 महीने होने वाले हैं और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 26 मई को 7 साल होने वाले हैं। सरकार किसानों की मांगों पे टस से मस नहीं हो रही और सरकार ने जानबूझकर बातचीत का रास्ता बंद कर रखा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 26 मई के दिन, जब इस आंदोलन को 6 महीने होने वाले हैं, उस दिन सारे देश में हर शहरी किसान, मजदूर, कारखानेदार, दुकानदार, हर काम करने वाला अपने घर पे, अपने व्हीकल्स पे, जो भी उसके पास साधन है, सबके ऊपर काले झंडे लगा के प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे। साथियों नमस्कार। साथी चौधरी साहब बताएंगे, इनका नाम है जयपाल सिंह कुंडू। जयपाल सिंह कुंडू गांव टटोली जिला रोहतक जी। बताइए, आपके गांव में 5G टावर से क्या हुआ वो बताइए। हमारे गांव के अंदर 14-15 तारीख को रेडिएशन की जोर आ गया और उसके बाद 20 तारीख के बाद मौत होनी शुरू कर दी। एक दिन में 4-5 मरने लग गए और आज 3 दिन की बात हो रही है, हमारी मौत बंद हो रही है। रेडिएशन का जोर हो गया। 4 तारीख को रात के 12 बजे 5G की रेडिएशन छोड़ी गई यहाँ से और वहाँ से करंट का जोर हो गया और आदमी कम से कम 65-70 आदमी गुजर चुके, जिसमें 15 आदमी जवान गुजर चुके, बाकी बुजुर्ग आदमी थे। और ये रेडिएशन किस लिए छोड़ी, ये रेडिएशन जो थी ना बंगाल में छोड़ी जाती आपके, थी। आपके गाँव में कितनी मौत हो चुकी है? 65 मौत हो चुकी है। साथियों सवाल इस चीज़ का है कि 65 मौत उस गांव में होगी जिनको कोरोना दिखाया गया कि कोरोना से इतने लोग मरने शुरू हो गए हैं, जबकि वहां 4 दिन पहले 3 दिन पहले वहां से टावर के लाइनें काट दी गई। ऐसे ही है ना, 3 दिन पहले टावर की लाइनें काट दी गई और उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। बड़ी बात यह है कि उसके बाद कोई मौत नहीं हुई। और अब सरकार एक और आंकड़ा दे रही है, वो आने वाला है कि जिस गाँव के लोग ज़्यादा बॉर्डरों पे जा रहे हैं, दिल्ली बॉर्डरों पे ज़्यादा धरनों पे जा रहे हैं, उस गांव में ज़्यादा मौतें हो रही हैं, जबकि उल्टा है जिस गांव में टावर, ये बता रहे हैं कि इस तरह से करके हमें अब क्या किया जाएगा, जिन गांवों में मौत ज़्यादा हुई उन गांवों का ये बदनाम करेंगे कि ये वहाँ पे धरनों पे गए थे, ये नहीं बताएंगे कि वहाँ पे 5G टावर था और 5G की वजह से उनकी मौत हुई। और ये सारा 2 नंबर में, 1 नंबर पर भी नहीं है। 14 तारीख से अडानी अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड में जा रहा है यहाँ रेडिएशन छोड़ने के बाद। तो साथियों ये षड्यंत्र है सरकार के और ये षड्यंत्र किसी तरह से इनके कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। हमारी मांग है कि टटोली गाँव में जितनी मौतें हुई हैं वो रेडिएशन से जो मौतें हुई हैं और वो टावरों की केबल काटने के बाद नहीं हुई है, उन कंपनियों के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एक लीटर टोली नहीं है जी, मुनार, मोखरा और सिरसा और सिसा और मंडोठी और कम से कम कनड़ी, कई गांवों में कम से कम 10 गांवों में मौत हो रही, 1 में 20, 1 में 15, 1 में 50। सारी जगह टावरों की वजह से हुई है। अब इन टावरों वालों पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है अपने किसान यूनियन की तरफ से कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।